सर एज ऑडियंसेस हम यूज टू हो जाते हैं कैरेक्टर को मोनोटोनस रोल करते हुए देखकर, तो आपको हम रिसेंटली देख रहे हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स करते हुए, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक्टिंग करने के एक्सपीरियंस कैसे जा रहा है आपका? मैं बुद्धादी हो गया था, हर सीरियल में मुझे रोना होता था पहले, फिर उसके बाद 18वीं किस्त में मर जाना होता था, या तो 8वीं में मरता था या 12वीं में या 18वीं में, तो वो मैं आदि हो गया था, कोई 6 साल तक मैं मरता ही रहा। सिर्फ अफसोसली कास्ट कर दे सर जी। और उसके बाद फिर मैंने इनसे कहा कि अब मैं मरूंगा नहीं, फिर इन्होंने मुझे एक ऐसे सीरियल में ले लिया जिसमें अब मैं मिन्नतें कर रहा हूं कि मुझे मार दो। ये बहुत, अब तो आपको पता है इतनी ज्यादा तनकीद भी हो रही होती है, देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स जहां से हम पढ़ रहे हैं, क्रिटिक्स लोग हैं, वो विजुअल क्रिटिसिज्म भी हो रहा है आपके ऊपर, ऑडियो रिकॉर्ड हो रही थी पहले, अब तो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, लिखा भी जा रहा है। आपको कहीं पे लगता है कि कुछ मसला राइटिंग के अंदर भी है बहुत ज्यादा हमारी, अदर देन द फैक्ट कि वो डिक्टेट कराई जाती है, मगर कहीं पे आपको लगता है कि शायद उतनी डेप्थ या उतना टाइम थॉट प्रोसेस पे नहीं लगता हमारे राइटिंग के? बात से मेरा ये ख्याल है कि अगर आप राइटर हैं और आपकी कोई सोच है अपनी, अगर आपकी सोच है तो आपको लिखना नहीं चाहिए। लिखना नहीं चाहिए? एंड व्हाई डू यू से दैट सर? बिकॉज आपकी अपनी सोच से वो तो नहीं मानेंगे, ठीक है, जो कंटेंट जो हमारे बिल्कुल अप्रूवल जो करते हैं, बल्कि अगर आपने कोई अक्ल व दानिश की बात कर दी तो वो कहेंगे तो समझ ही नहीं आनी इनको किसके लिए लिखा है आपने। ओके वाह ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने लिखना तो वो है जो वो कहेंगे। तो आई थिंक अब हमें बहुत अच्छी टाइपिस्ट होना चाहिए, हमें मुंशी होना चाहिए और यस कहने की हमें आदत होनी चाहिए, फिर आप राइटर बन जाएंगे। लेकिन आजकल के ड्रामास जो हैं वो सेम स्टोरी लाइन पर चल रहे हैं, तो एज अ राइटर आपको क्या लगता है स्क्रिप्ट्स क्या बेसिक चीजें लैक कर रहे हैं? बात ये है कि मैं भी शुरू में कन्विंस नहीं होता था, जैसे आप कह रहे हो कि हर बार जब भी मुझे कोई कहानी लिखने के लिए देंगे तो उसमें 3-4 वही इंग्रेडिएंट्स होंगे। बाद में इन्होंने मेरे सामने चार्ट जब खोल के रखे हैं और उसमें इन्होंने बहुत डिटेल्ड काम किया हुआ होता है, उसमें ये होता है कि देखें जी सीरियल में जब तक ये लड़की पिट रही थी तो रेटिंग 14 थी, और इस एपिसोड में 8वें मिनट पे इसने लड़की ने अपनी सास का हाथ पकड़ लिया था और उसने कहा था अब नहीं मैं मार खाऊंगी, रेटिंग गिर गई है अब 4 पे है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो ऑडियंस है, जैसे एक नशे की आदत पड़ जाती है ना तो वो निकलती नहीं है, हमारी ऑडियंस को आदत हो गई है। आप उनको वही देते रहे, मजलूम लड़की, पिटती हुई लड़की, और या ज्यादा लव ट्रायंगल, वो खुश रहेंगे, हाँ जी बस ठीक है। Exactly. जैसे ही आपने लड़की के हाथ में पावर दी या लड़की को आपने दिखाया कि वो स्ट्रांग हो गई है, ऑडियंस चैनल चेंज कर देते। मुझे बात बताएं अहमद साहब, कहीं पे आपको लगता है कि आपने जो बात की कि जहां पे हम दिखा रहे हैं कि कैरेक्टर पिटता रहा है उसकी रेटिंग आ रही है और जहां पे उसको पावर मिली है वहां पे रेटिंग गिर गई, जिसका मतलब है कि इंटरेस्ट कम हो गया जी, ठीक है, तो ये जो ऑडियंस है ये कहीं हमारी ही सोसाइटी को तो डिपिक्ट नहीं कर रही है कि जब तक हम पे जुल्म होता रहे हम सही रहते हैं और कहीं पे अगर हमें 2 मिनट के लिए पावर मिले तो हमारा अपना इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। हाँ वैसे ऐसे ही है कि हमें आदत है, हमें अपने आप को पीटने की भी आदत है, हम अपने आप पे रोना पसंद करते हैं। बिल्कुल, बहसियत कौम भी हमारे में एक बड़ा चला गया, हमारे अंदर ट्रेजेडी भर गई हुई है, ट्रेजेडी बिल्कुल बहुत है हमारे में, हमारी कौम को हंसाना बहुत मुश्किल है, ये नहीं कि हिम्मत है जो यहाँ हंसाते हैं, बहुत बड़ा काम है, मगर अब हमारी कौम रो जल्दी पड़ती है, हंसाने के लिए टेक्स वेरी लॉन्ग। सही कह रहे हैं सर। मुझे लगता है हंसाने और रोने के दरमियान में एक स्टेज है ऑफ नॉर्मल सी, लाइक नॉर्मल सी इन टर्म्स के वो बहुत हंसाना इज वन एक्सट्रीम, रोलाना इज वन एक्सट्रीम, तो अब जिस तरह आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो आप नॉर्मल हैं इस वक्त, मुझे लगता है ये नॉर्मल हम लोगों को भूल गया, जिसे कहते हैं ना मिडिल ग्राउंड हमारी जो है ना वो बहुत एक कुछ अजीब सी है ही नहीं या एग्जिस्ट भी कर... आप जब बात कर रहे हैं नॉर्मल होने की तो आपको लगता है एज ए नेशन क्या हम नॉर्मल हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं है, नहीं है, तो हम या एक्सट्रीम पे हैं या उधर हैं या इधर हैं, उधर हैं या इधर हैं, हाँ, तो हमें उसकी आदत भी नहीं रही है कि अच्छा बीच में अगर नॉर्मल रहे हैं तो अगर आज कुछ नहीं हो रहा है ऐसा जिससे हमें रोना पड़े या बहुत हंसना पड़े तो हम कुछ कंफ्यूज से हो जाते हैं कि अच्छा क्या करना है, बोर हो जाते हैं। ये जो वर्ड है ना ये बोर हो जाने वाला है, जबरदस्त वर्ड बोला है, बहुत सही बात कही, बिल्कुल ये हमें सेंसेशन चाहिए हर बार, सेंसेशन एग्जैक्टली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कैसे साहब? मैं भाजन मैं तुम्हें सॉरी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਚ ਵੀ, ਮਸਲਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਵੋ ਖੈਰ ਆ ਕਾਦੀਆਂ ਮਸਤੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ
देंगे अच्छा जी हूँ हसदा मुनाफा मंगू हाँ नहीं मगर ये बिल्कुल इन्होंने जो बात कही ये बोर जो है ना ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका हम हर वक्त तोड़ निकालने पे निकल पड़े हैं कि अब मैं बोर हो रहा हूँ या मैं बोर हो रही हूँ अरे क्या बोरिंग लाइफ है वेयर एज वी डोंट रियलाइज कि वो बोरिंग जो होता है उस वक्त आप एक काम जोन में चल रहे हैं देखिए जहाज या टेक ऑफ कर रहा होता है या डिसेंडिंग में होता है उसके दरमियान में बहुत अरसा होता है जिसमें वो सीधा बस जा रहा होता है एक नॉर्मल उसमें कोई डिसेंड नहीं है असेंड नहीं है हम लोग ना उस टाइम से ना कुछ अजीब से कतराना शुरू हो गए हैं हमें इश्यूज हो गए उसके साथ तो मायरा आप जब बोर होती हैं तो आप क्या करती हैं सोशल मीडिया यूज कर लेती हूँ मामा के पास बैठ जाती हूँ मेरी बोरियत इतनी घर में ही रहती हूँ ज्यादा आपको टिकटॉक पे प्रॉपर फॉलो करता हूँ तो बड़ा फनी कंटेंट होता है आपका तो उसका कंटेंट भी आप खुद ही लिखते हैं नहीं वो से लिखवाते हैं हरीम शाह तो बाद टिकटॉक आपने फिर उसको कैरी ऑन किया बड़े मजा बड़े अच्छे बैठे बैठे उल्टबाजी भी ला देंगे ऐसा तो नहीं होगा आप भी करती हैं सोशल मीडिया ऐप्स यूज सोशल मीडिया ऐप्स कौन सी इंस्टाग्राम वो तो जाहिर ही बात है फेसबुक टिकटॉक बहुत रेयर पर बहुत रेयरली कर लेती हूँ दैट्स इट और अगर इंस्टाग्राम पे बंदे ने हिट होना हो तो कैसे हो मैं भी नहीं हूँ मुझे नहीं पता कितने फॉलोअर्स हैं आपके 14,000 इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स इतने ज्यादा मैटर क्यों करते हैं अगर आपके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं तो आप हिट होंगे अदरवाइज नहीं नहीं खैर मुझे तो नहीं मैटर करते मगर वैसे कास्टिंग कर रहे हैं अभी अच्छा फॉलोअर्स पे कास्टिंग हो रही है आई एम टेलिंग यू लाइक अगर आपने लड़की कोई नई इंट्रोड्यूस करनी है सीधा इंस्टाग्राम मांगते हैं उस पे जाके देखते हैं फॉलोअर्स कितने हैं अगर फॉलोअर्स जो है वो एक सर्टेन नंबर से एक्सीड करते हैं और एक और बात है कि आधे लोगों के फॉलोअर्स फेक होते हैं यू कैन एक्चुअली बाय फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम 5000 से 9000 तक में आपको मिल जाएगा लेकिन मैं मायरा से पूछना चाह रहा था जी क्या पूछना चाह रहे हैं कि आप जिस तरह लोगों को बहुत ज्यादा प्यारी लगती हैं अच्छा आप हैं भी प्यारी क्योंकि दुनिया में ऐसा शख्स है जो आपको भी बहुत प्यारा लगता है मुझे कोई प्यारा नहीं लगता सारी दुनिया फजूल ऐसा ही है होता नहीं कोई आइडियल होता है कोई बहुत जो ऐसा शख्स होना चाहिए नहीं फवाद चौधरी हो फवाद खान हो कोई नहीं है नहीं। वो आइडल भी नहीं है अगर मसन के घर वालों ने कहा रिश्ता कहीं तय कर दिया तो पूछा कैसा लड़का होना चाहिए तो आप क्या कहेंगे कैसा होना चाहिए पहले तो मैं कहूंगी अभी मुझे फोकस किसी और चीज पे करना मुझे रिश्ता करना आज तो 5 साल बाद पूछे और उन्होंने फिर की कहोगे अपनी मर्जी कर ले बूढ़ी हो गई अब क्या पेरेंट्स ने अक्रम भाई जैसा रिश्ता ढूंढ लिया फिर आप हां कर देंगे नहीं अभी बात नहीं आई आपकी चॉइस है इसका मतलब ऑब्वियसली मुझसे राय तो लेंगे वो बताएं आसान लफ्जों के अंदर वो ये कहना चाह रही है कि गाड़ी जिस तरह होती है तो गाड़ी तो कोई हो अब आप बिल्कुल ही रक्षा तो ना उनको वैसे आपके अहमद साहब जो एक ड्रामा बड़ा मशहूर जिसकी अक्सर आपको बहुत डिमांड भी आती रहती होगी कि वो बारात सीरीज दोबारा करें बारात सीरीज दोबारा करें तो कभी दिल में आया कि बारात सीरीज दोबारा करूं यार तुम दुखती रंगों को ना छेड़ो ऐसा मेरा काम ही है मेरे पास और कुछ नहीं है करने को नहीं आया उसको 3 दफा बनाने की कोशिश भी की गई लेकिन अब नहीं हो पाता वो नहीं हो पाता नहीं। मायरा मुझे ये बताइए कि आपको है एक्टिंग वगैरह का शौक मैं टीवी सीरीज वगैरह करती हूँ तो शौक मुझे बेसिकली एक्टिंग का ही था अच्छा तो ये ज्वेलरी आपने क्यों अब्बू के पैसे जाया कराए नहीं नहीं मुझे डिग्री तो लेनी थी मैं करना मार्केटिंग चाहती थी बट देन मेरा मेरिट थोड़ा सा कम था तो मैं ज्वेलरी में चली गई और जब मैंने फर्स्ट ईयर किया तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि मिनिएचर काम था मुझे मिनिएचर अच्छा ओके एंड जैसे जैसे एक्सीड किया तो वो मेरे लिए काफी अच्छा हुआ मुझे काफी अच्छा काम भी निकला ऑफर्स भी आई डिफरेंट ब्रांड्स से टू कोलैबोरेट इन ज्वेलरी एंड ऑल डू यू वांट टू एक्ट नाउ अदर देन टीवी सीरीज आई माइट इफ द स्क्रिप्ट इज गुड
एंड व्हाट इज अ गुड स्क्रिप्ट? जिस तरह उन्होंने कहा कि एक सर्टेन लाइन है हमारे पास, उसी पे चलना है। आपको ड्रामा देख रही है, मुझे बताइए कोई आपको ड्रामा पसंद हो। मैं आजकल एक ड्रामा देख रही थी और उसमें फिर से वही हुआ जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, तो अब मैंने देखना छोड़ दिया। अच्छा, आपने छोड़ ही दिया? तो जब आपको वापस वही सेम चीज रिपीट होनी है तो फिर क्या फायदा है? ओए होए होए होए, सब इतनी जल्दी ओपिनियन चेंज हुआ कि आप फॉलो कर रहे हैं एक ड्रामे को और एक चीज के ऊपर आपने छोड़ ही दिया। एग्जैक्टली वही वाली बात आ गई ना, बोर हो गई। बोर हो गए, ये बोर, ये बड़ा खतरनाक, बड़ा खतरनाक लग रहा है। तो वैसे कोई आपके हैं फेवरेट एक्टर्स एक्ट्रेसेस? मुझे फवाद खान अच्छा लगता है और मुझे सज्जल अली अच्छी लगती है। ठीक है, फवाद खान और सज्जल। तो अगर कोई ऐसा कोई आए, कोई ड्रामा है जो आपको उसमें मौका हो फवाद खान और सज्जल अली के साथ, दोनों ही आ जाएं, मैं कर लूंगी। लेकिन स्क्रिप्ट वैसा हो जैसा आप एक्सपेक्ट नहीं कर रही हैं। वो इस किस्म का हो जो आपको नहीं चाहिए, कि वो भी थोड़ा स्क्रिप्ट देख के ही चूज करेंगे, मेरा ये ख्याल है। जितने वो सीनियर एक्टर्स हैं उनके लिए स्क्रिप्ट हमेशा कुछ डिफरेंट या अच्छा ही होगा, तो आई फील लाइक अगर उन्होंने हाँ किया तो ऑब्वियसली मैं फिर क्या हूँ। मतलब अगर फवाद और सज्जल ने हाँ कर दी तो इन्होंने भी हाँ कर दी, मैं कर दूंगी फिर। हाँ, तो आप क्यों नहीं कहती अहमद साहब को वो कुछ लिखें और कोई इस तरह का कोई अहमद साहब कोई लव ट्रायंगल हो। मैं सिर्फ उनके लिए लिखूंगा, मैंने प्रॉमिस किया। लेकिन आप अपना करेक्टर चेंज कर लें, बाकी मैं हाजिर हूं। आपने मुझसे वादा लिया था कैरेक्टर का, मैंने आपको दे दिया, अब आप पीछे हट रहे हैं। सर आप जो कहेंगे मैं करूंगा, बस उसी एक बार लिखो तो सही। सर आपने करेक्टर तो दे दिया है, इसको करेक्टर सर्टिफिकेट कौन देगा? पैसे लेके तो सारे काम आप कर रहे हैं। सर वासे भाई के पास इख्तियार? मेरे पास कौन सा इख्तियार है? वासे भाई ने तो आप करो निकलना, वो तीन बारी भाभी को इजाजत लेके निकल दे जावा। फिर इजाजत मिलती है ना को कदे इख्तियार ने कह कौन रहा है मुझे।